तरुण टक्के या फिमेल वर्कफोर्स महिला असतील अशा प्रकारचा निर्णय त्यांनी घेतलाय। विशेषतः आज महाराष्ट्रामध्ये आपण सौर कृषी वाहिनीचा जो कार्यक्रम घेतलाय अशा कार्यक्रमाकरता याचा फार फायदा होईल, कारण आतापर्यंत मॅक्सिमम गोष्टी आपण इम्पोर्ट करतोय, सगळ्या गोष्टी याच फॅक्टरीमध्ये बनणार असल्यामुळे आणि जे सोलर पॅनल इथे बनतायत ते एफिशियंट पॅनल आहेत, जागा देखील कमी लागते, त्याची एफिशियन्सी देखील जास्त आहे, त्यामुळे अतिशय महत्वाचं अशा प्रकारचं इन्व्हेस्टमेंट आज या ठिकाणी नागपूरमध्ये आलं। मी श्री विनीत मित्तल जे आव्हाडाचे प्रमुख आहेत त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आज आव्हाडा ग्रुप की ओर से इंटीग्रेटेड सोलर प्लांट का भूमिपूजन हुआ है। इस प्लांट में मॉड्यूल बनेगा, इसमें इनगॉट बनेगा, इसमें चिप्स बनेगी, इसमें ग्लास बनेगा, एक प्रकार से कंप्लीट इंटीग्रेशन सोलर यूनिट का यहां पर तैयार हो रहा है। ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार का प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी एफिशिएंसी ये भी आज हम जो इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा है। महाराष्ट्र में करीब करीब 20,000 मेगावाट का हम लोग सोलराइजेशन का जो प्लान हमने शुरू किया है उसमें भी ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। और उन्होंने तय किया है कि अप्रैल तक निश्चित रूप से इसका प्रोडक्शन वो शुरू करेंगे।